तो भाई ये जो काऊ आप देख रहे हो ना, ये हमारे सेक्टर के अंदर घूम रही थी काफ़ी दिनों से, और उसकी चोट देखो आप ज़रा कैसे लगी हुई है भाई। मुझसे देखी भी नहीं जा रही है चोट, सही बताऊँ तो इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई है ना इसके। एंड इसकी आगे वाली जो वीडियो भी आने वाली है, ये देखो भाई, भाई ये है उसके 3 दिन बाद की फोटो। तो 3 दिन तक भी कोई एक्शन नहीं हुआ इस काऊ के ऊपर कि भाई इसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, नहीं। तो यार ये मेरे घर के आगे आई थी, मैं इसे रोज़ रोटी देता था खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर हल्दी डाल दूँ जिससे कि इसके ऊपर मक्खी मच्छर ना बैठे। एंड मैं अभी अपनी बाइक लेके निकल चुका हूँ क्योंकि गाड़ी वाले भैया का मेरे पास कॉल आ चुका था कि भैया आ जाओ आप, हम यहाँ पे खड़े हैं। तो भाई मैं पहुँच गया। एंड ये देखो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे अपनी बाइक से, वो वाले गाड़ी वाले भैया है। तो भाई वो बंदे आ चुके हैं, 2 बंदे आए हैं और एक ड्राइवर आया है उनके साथ, तो पकड़ ही रहेगा ही, तो अभी आगे है, आगे खड़े हैं। तो वो गाड़ी हाथ में आ नहीं रही थी, तो उसके लिए रोटी लेने गया था मैं, उन्होंने बोला रोटी ले आओ, तो मैं रोटी लेने गया था, 2-3 रोटी। अब देखते क्या होता है आगे, कैसे पकड़ जाती है गाड़ी, चोट तो काफ़ी लगी है। आगे की तरफ खड़ी है गाड़ी, दिखाता हूँ आपको। सामने जो ब्लू शर्ट में 2 पर्सन खड़े हैं, यही 2 पर्सन आए हैं, एक के पास रस्सी है, एक के पास डंडा है, दोनों आए हैं पकड़ने काऊ को। एंड अब हमारा प्रोसेस हो चुका है स्टार्ट। तो जरा पकड़ने गए थे, मेरा भाई भी उनके सामने खड़ा हो गया, उन्हें गाइड कर रहा है कि ऐसे पकड़ो ऐसे नहीं पकड़ना, तो इस टाइम पे तो पकड़ में नहीं आई। एंड फिर उनसे मतलब वो डर रही थी, काफ़ी डर चुकी थी, तो उन भैया ने बोला कि तुम्हारे पास ही आ जाती है गाई, तो तुम एक बार जाओ रस्सी लेके उसके पास जाना, प्यार करना उसको, अगर वो आती है तो उसके गले में रस्सी डाल देना। तो मैंने बोला ठीक है मैं रस्सी लेके जाता हूँ। एंड मैंने भी ट्राई किया, तो वो यार डर चुकी थी पूरी तरीके से, तो मेरे पास भी आई नहीं। तो उसके बाद मैंने रस्सी भैया को वापस दे दी, भैया मेरे पास नहीं आ रही, वो काफ़ी डर चुकी है, वो भाग रही है जगह जगह, वो हमारे पास आई नहीं रही। तो उसके बाद वो भैया ने ले ली रस्सी, उन्होंने बोला चलो हम ट्राई करके देखते हैं।
तो जय हिंद दोस्तों, इस टाइम मैं आ चुका हूँ अपने घर में एंड मैं काफ़ी थका हुआ हूँ इस टाइम में, आपको बताऊँ सही सही तो। एंड उस काऊ को आपने देखा होगा कितने सीरियस इंजरी आ रखी है और उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो आपकी क्या राय है इस बारे में आप मुझे कमेंट करके बताना। एंड मैं इसके आगे का पार्ट टू में दूंगा आपको, तो तब तक के लिए वेट करें आप प्लीज़। थैंक यू, और अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर ज़रूर करना।